जब जब भारत के लिए कोई बड़ा ओकेजन होता है, ट्रेविस हेड हमेशा सामने आ जाते हैं। आपको WTC फाइनल याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, ODI वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें ट्रेविस हेड अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को हराकर चले जाते हैं, और अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने, हालांकि कोई घबराने वाली वैसी बात नहीं है, बट उनसे जब सवाल पूछा गया रोहित शर्मा के डिसीजन को लेकर कि रोहित शर्मा अपना पहला टेस्ट मुकाबला मिस कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि रोहित शर्मा के घर, जैसे बोले कि रोहित शर्मा पिता बने हैं दूसरी बार और उनको बेटा हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने BCCI को ये पहले ही बता दिया था कि वो पहला टेस्ट मुकाबला जो पर्थ में होगा वो मिस करेंगे। इस पर जर्नलिस्ट ने उनकी राय पूछी ट्रेविस हेड से कि कप्तान पहला टेस्ट मुकाबला रोहित शर्मा टीम इंडिया के वो मिस कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं इसका 100% समर्थन करता हूँ, और उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी सेम चीज़ ही करता, क्योंकि एज अ क्रिकेटर हम बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं और हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ऐसी लाइफ मिली है, और इसके बिहाइंड भी एक चीज़ होती है कि हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। और रोहित शर्मा का जो डिसीज़न था वो काफ़ी बढ़िया था और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, दूसरे टेस्ट से अपनी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और विराट कोहली के लिए भी, उनकी बल्लेबाजी पर भी उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला हमने विराट कोहली के लिए अकेले के लिए प्लान्स नहीं बनाए हैं, टीम इंडिया में जितने भी बैटर हैं हमने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बनाए हैं, स्ट्रैटेजी करी है, और बिल्कुल हर टीम वो करती भी है, और ट्रेविस हेड ऐसा लग रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इंडिया से तो खास उनका रिश्ता है, चाहे वो IPL में सनराइजर्स हैदराबाद से हो या फिर इंडिया के अगेंस्ट जब भी खेलने की बात होती है तो ट्रेविस हेड अपना 100% वहाँ पर देते हुए नज़र आते हैं, और कई ओकेजन पर ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को मैचेस भी जिताए इंडिया के खिलाफ हो चाहे दूसरी देश के खिलाफ हो, लेकिन ट्रेविस हेड अपने इस काम में बखूबी माहिर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।